एवरीवन, आई एम सारा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू आर समवन जिसे रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है पर समझ में नहीं आता उसके साथ मेकअप क्या करें, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर प्राइमर मैं मार्स का पोर क्योर प्राइमर यूज़ करूँगी। उसको अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, वो फिल हो जाएँ कम्प्लीटली, ताकि फाउंडेशन के लिए अच्छा बेस बन सके। फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ इन द शेड वार्म न्यूड। आप इसको ब्रश से लगाएंगे तो ये फुल कवरेज है, सच में बहुत अच्छा फाउंडेशन है। बट इफ़ यू आर यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर तो आधा तो ब्लेंडर ही अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज नहीं देता है, बट स्टिल इट्स वेरी गुड इफ़ यू अप्लाइड विद ब्लेंडर। तो मेरा सजेशन है अगर आपको ब्रश से आता है तो आप ब्रश से करें। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। उसको अपने डार्क स्पॉट्स पे लगा करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद ब्लेंड करूंगी। बहुत अच्छी कवरेज आती है। तो एक छोटा सा टिप्स है कि आप कोई भी कंसीलर यूज़ करो, वेदर वो फुल कवरेज है या नहीं है, जस्ट लीव इट फॉर लाइक 2 to 2 मिनट्स। लगाने के बाद छोड़ दो 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद ब्लेंड करो तो बहुत अच्छी कवरेज आती है। आपको कंसील करने की करेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी कवरेज आती है। और इन सबको सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लूज़ पाउडर इन द शेड आइवरी। लूज़ पाउडर में कोई कवरेज नहीं होती है तो वो आपके बेस को केक ही नहीं बनाता, बल्कि बहुत अच्छा सेट कर देता है। और कॉम्पैक्ट आप यूज़ करेंगे तो वो उसमें कवरेज वैसी ही रहती है और फाउंडेशन को और केक ही बना देता है। और अपने चेहरे को थोड़ा सा स्क्रब लुक देने के लिए, थोड़ा सा चिजल लुक देने के लिए आई एम यूजिंग दिस NYBA ऑल इन वन कंसीलर स्टिक इन द शेड टॉफी। उसको अपने जॉ लाइन पे, अपने फोरहेड पे और अपने चीक बोन्स पे लगा करके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, वरना फिर लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो बहुत लाइटली ब्लेंड करना है ताकि वो वहाँ पर रहे थोड़ा। फिर ब्रॉन्जर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। उसमें से डार्क शेड लगा के जहाँ पे मैंने कॉन्टोर यूज़ किया था वहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रॉन्जी लुक दूंगी। फिर ब्लश के लिए मैं पर्पल का ब्लश इन बेरी यूज़ करूँगी, उसको अपने चीक्स पे अच्छे से लगा लूँगी। आईब्रो के लिए मैं स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्रो पैलेट यूज़ करूँगी इन द शेड 02। उसमें से वैक्स लेकर के उससे अपने आईब्रोज़ के हेयर को सेट करूँगी। फिर ग्रे शेड लेकर के उससे अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी और लाइट ब्राउन शेड लूँगी मैं उसमें से, और उसके आउटर जो आईब्रोज़ का होता है ना उसको फिल करूँगी ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे। और आई शेडो के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँगी। उसमें से ये वाला शेड लेकर के मैं अपनी पूरी आई पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। फिर थोड़ा सा डार्क वाला शेड मैं लूँगी और उसको अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। फिर इनर कॉर्नर के लिए मैं सेम पैलेट में से ये लाइट शेड यूज़ करूँगी और उसको अप्लाई कर लूँगी, तो थोड़ा सा बिना कंसीलर के जो कट क्रीज होती है ना वो वैसी वाली लुक आता है। फिर कोई भी सिल्वर शेड लेना है और उसको पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई कर लेना है। फिर मैं ये सेम स्विस ब्यूटी का जो आईब्रो जो पैलेट था उसमें से ये ब्लैक आई शेडो लूँगी। आप कोई भी ब्लैक आई शेडो ले सकते हैं किसी भी पैलेट से, उसमें अपना लाइनर अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट लुक आए। फिर डार्क ही वाला शेड यूज़ करूँगी, उसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, उससे अपनी आई लैशेज़ को अच्छे से कोट कर लूँगी। फिर आई एम यूजिंग दिस माई फेवरेट वाइट काजल फ्रॉम NYBA और इसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। पूरा नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है बस, ताकि थोड़ा सा आँखें बड़ी बड़ी लगती है उससे। फिर मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करूँगी, उसको अपने हाई पॉइंट्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि वो लाइट हिट होगी ना तो बहुत प्यारा लगता है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मैट लिप इंक इन द शेड वाइल। उसको अच्छे से अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे कोई लिप लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उस शेड का लिप लाइनर था नहीं, मैं कोई और शेड यूज़ करती तो वो उससे शेड थोड़ा गड़बड़ हो सकता था। तो ये मेरा लुक कम्प्लीट होता है और लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो यू लाइक इट और नॉट।